लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, आपके सामने पूरा कराची निकला हुआ है और हम पैदल मार्च कर रहे हैं मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक, और आगे का लायमल हमारी लीडरशिप मशावरत के बाद बताएगी। और हम एक पुरमन मार्च कर रहे हैं, हमारे साथ ख्वातीन भी हैं, नौजवान बुज़ुर्ग भी हैं। हमारा मुतालबा एक ही है कि जो मुल्क आइन और कानून और जिस दस्तूर के मुताबिक बना था उस दस्तूर के मुताबिक ही इसके फैसले हों, और जिन लोगों ने इमरान खान के रेड लाइन को क्रॉस किया है, हमारी रेड लाइन को, इमरान खान के ऊपर हमला करके उनको कानून के कटेरे में, अदालत में के कटेरे में ला के उनसे पूछा जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए, वो मोरकात जो जो विक्टिम पकड़ा गया है वो एक मोहरा था, उसके पीछे हाथ किसके हैं उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब से पाकिस्तान बना, हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक सब शहीद हुए हैं, किसी को अदालती कत्ल किया गया, किसी को दहशतगर्दी के नाम पे मारा गया, किसी को किसी और नाम पर हटाया गया है, ये कब तक चलता रहेगा। और आज़म खान स्वाति जैसा एक सेनेटर मोअज़्ज़िज़ जो पानी भी अपने पैसों से पीता है सरकार के नहीं, उसको नंगा किया गया उसके बच्चों के सामने, इससे ज़्यादा बात क्या होगी काबिले मुज़म्मत। आज हमारे दिल रो रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा थाने में। इस मुल्क का निज़ाम को, वो एक बात जो हमारे साफ़ी कर रहे हैं, इनको तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है। इमरान खान बिल्कुल सही बात कर रहा है, या तो बैलेट के ज़रिए ये इनकलाब आएगा या तो बुलेट के ज़रिए आएगा, यानी कि ब्लड शेड होगा। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक पुरमन इनकलाब की ज़रूरत है, पाकिस्तानी आवाम इस बात को समझे और निकले। आज पाकिस्तान बदल रहा है, इसमें अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को खुशहाल और इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की तरफ आगे लेके जाएं। अमेरिका के कहने पे जिन्होंने इमरान खान को हटाया, उन आकाओं को हमने बताना है कि पाकिस्तानी कौम ग़ुलाम नहीं है, एक आज़ाद और खुदमुख्तियार रियासत के वो मालिक हैं। और अपने चौकीदारों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो चौकीदारी करें, मुल्क की हिफाजत करें। अब हमारी शान है, हम आपकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन आप अगर सियासत में आके गलत लोगों का साथ देंगे तो फिर हम पाकिस्तानी कौम अपनी कौम जो है वो अपनी उन लीडरों के साथ खड़ी होगी जो पाकिस्तान और इस मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और करप्शन जैसे नासूर के खात्मे में जो जहाज चल रहा है उसमें पाकिस्तानी आवाम अपने महबूब कायद इमरान खान के साथ खड़ी होगी। बहुत कल वाक़या हुआ, हमारे 20 कारकुनों को जो पकड़ा गया, हमारे ख़वातीन गिरफ़्तार हुए, हमारी ख़वातीन पर लाठीचार्ज किया गया था। ये रियासत को कमज़ोर करने की बात हो रही है, हम निहत्ते हैं। एक हमने किसी दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ा, हमने गमला नहीं तोड़ा। जब बेनज़ीर मोहतरमा शहीद हुई थी और 18 अक्टूबर हुआ था तो लोग सड़कों पर निकले थे, एटीएम गायब हुए थे, दुकानों पे आग लग गई थी, पूरा शहर आग व आग था, गाड़ियां जल गई थी, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे कायद ने हमें मना किया कि पुरामन रहें, तो हम एक पुरामन सियासी समाजी फलाही जमात हैं। हमारा काम है दावत देना, लोगों को इनक्रेज करना इस मुल्क की खुशहाली के लिए, एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करना जिससे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी मुमकिन हो सके। इसीलिए हम पुरामन हैं, पुरामन ही रहेंगे और अपनी पुरामन जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इमरान खान की हिदायत पर, तंजीम के आला क़यादत की हिदायत पर, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, उसी सिलसिले की आज यह कड़ी है। आपने देखा सैकड़ों हज़ारों लोग निकले हैं कराची के शहर में आज इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए, और वो जो हमला हुआ है वो इमरान खान पे नहीं हुआ, इस रियासत पे हुआ है, जमहूरियत पर हुआ है और पाकिस्तानी आवाम पर हुआ है। तो बाम ये फैसला दे चुकी है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो भी उसे क्रॉस करेगा हम उसे क्रॉस करेंगे। बहुत शुक्रिया।